आज 18 सितंबर पिछले 24 घंटे का जो रेनफॉल रिपोर्ट मिला है इसमें हमारा उड़ीसा में कुछ एक दो जगह करके रेनफॉल हुआ है। हाईएस्ट रेनफॉल हुआ है मलकानगिरी 62.2 मिलीमीटर, फुलवानी कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में है 36.6 मिलीमीटर, चंदनपुर मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है 30.8 मिलीमीटर, के नौगांव 14.2 मिलीमीटर, बालीगुड़ा कंधमाल में है 14.0 मिलीमीटर। इस तरह से एक दो जगह करके कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में हल्का से मध्यम बारिश हुआ है। सीजनल जो स्थिति है इसमें हमारा 1 जून से आज 18 सितंबर तक 1062.6 मिलीमीटर रेनफॉल हुआ है टोटल, 1085.9 मिलीमीटर इस समय तक स्वाभाविक होता है, तो 2% या 2% कम है। दो डिस्ट्रिक्ट्स में मालकानगिरी और झारसुगुड़ा में एक्सेस है, 24 डिस्ट्रिक्ट्स में स्वाभाविक है प्लस माइनस 19 का अंदर, 4 डिस्ट्रिक्ट्स डेफिशियंट कैटेगरी में है, खुर्दा गजपति पुरी एंड बालासोर, बट इसमें मार्जिनल है, खुर्दा में 31 बाकी सभी 20 से 30 का बीच में है। और सितंबर का 1 सितंबर से 18 सितंबर में तो रेनफॉल अभी तक कम है, बट अभी हमारा जो मानसून ट्रफ लाइन है आज वेस्ट बंगाल का थ्रू नागालैंड का तरह जा रहा है, और एक ट्रफ लाइन बिहार से साउथ उड़ीसा का तक है। इसका प्रभाव में अगला 24 घंटा में उड़ीसा का कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में मेनी प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, नवरंगपुर, सुंदरगढ़, देवगढ़, केंदुझर में हो सकता है। मलकानगिरी, कोरापुट, सुंदरगढ़, केंदुझर ये सब डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह में हेवी रेनफॉल का चांसेस है। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का साथ ही होगा जो अभी, थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ मलकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, कालाहंडी, कंधमाल, बोलांगीर, बौद्ध, नोआपाड़ा, संबलपुर, देवगढ़, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, केंदुझर, मयूरभंज, जंगल ये सब डिस्ट्रिक्ट में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का ज़्यादा चांसेस है, और हल्का से मध्यम बारिश कुछ कुछ जगह में हो सकता है। अभी आज और कल ये दो दिन में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का साथ ही कुछ कुछ जगह में बारिश होगा, और एक दो जगह में हेवी रेनफॉल जैसे मलकानगिरी, कोरापुट, सुंदरगढ़, केंदुझर आज, और कल मलकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, रायगढ़ में एक दो जगह में हो सकता है। और अभी लघुचाप व लो प्रेशर का जो फॉर्मेशन का हम लोग बोला था उसमें 20th को ही आसपास का नॉर्थ ईस्ट भी बंगाल में होने का चांसेस है, तो उसका प्रभाव मेनली हमारा 20th, 21st, 22nd ये 3 दिन रहेगा। मेनली ज़्यादा रहेगा 20th एंड 21st में ज़्यादा है, 20th से शुरू है और फिर 22nd भी धीरे धीरे कम होता रहेगा। 28th को जो है उसमें हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, 20th और 21st हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल मलकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, बालासोर, मयूरभंज, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा ये सब डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है। हेवी रेनफॉल जगत सिंहपुर, पुरी, गंजाम, कलाहंडी, केंदुझर, संबलपुर, कटक ये सब डिस्ट्रिक्ट में होने का चांसेस है। 21st को मेनली नॉर्थ उड़ीसा का मोस्ट इंटीरियर का डिस्ट्रिक्ट में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, कोस्टल उड़ीसा में हैवी रेनफॉल, और साउथ इंटीरियर का डिस्ट्रिक्ट में भी एक दो जगह में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल और हैवी रेनफॉल होने का चांसेस है। 22nd में फिर ओनली इंटीरियर में बड़ाघाट, झारसुगुड़ा, वेस्टर्न उड़ीसा में एक दो जगह में हैवी हो सकता है। तो मेनली इसका इम्पैक्ट जो है 20th, 21st इसमें ज़्यादा है, 22nd का फिर कम रहेगा। फिशरमैन को 20th से भी डीप सी में जाने के लिए मना है, और 21st, 22nd में टोटली कोस्टल एरिया में भी फिशरमैन को जाने के लिए मना किया है। और जो डीप सी एरिया में है उसको 20th को कोस्ट में वापस आने के लिए कहा गया है। भुवनेश्वर एंड कटक को जो दोनों सिटी एरिया है इसमें आज पार्टली क्लाउडी स्काई रहेगा, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कुछ कुछ जगह में हो सकता है, हल्का बारिश भी होने का चांसेस है कुछ कुछ एरिया में। यही है लघुचाप का जो बोला है अभी हमारा। ओके।